उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री भी वितरित की। केशव प्रसाद मौर्य जनपद प्रयागराज में बाढ़ क्षेत्र के निरीक्षण के लिए जाते समय रास्ते में हुए सेंट मेरी स्कूल के सामने एक सड़क दुर्घटना हो गई थी। तुरंत उन्होंने अपनी फ्लीट रुकवाई और तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था करके घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा। चिकित्सक को घायल व्यक्ति का तुरंत इलाज करने का निर्देश दिया और फ्लीट के सुरक्षा अधिकारियों के साथ जाम को हटवाया और एम्बुलेंस को जाने का रास्ता भी दिलाया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बख्शी बांध एसटीपी छोटा बघाड़ा आदि इलाके का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों को जरूरत की राहत सामग्री वितरण किया। बख्शी बांध दारागंज छोटा बघाड़ा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिलाधिकारी संजय खत्री, भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अगर कहीं पर उनको रखने की आवश्यकता है घर से बाहर उनके सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, और अभी बाढ़ जैसे इस समय है, घटना शुरू हुआ है, बाढ़ जब कम होगी तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि उसके बाद जो समस्या खड़ी होगी उसके समाधान के लिए वह तैयार रहें। और यह बाढ़ आई है, ये जरूर चिंता की बात है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित भी हैं और सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पर्याप्त उपाय भी किए गए, प्रबंध भी किए गए। आप गए थे खुद बाढ़ में, खतरा है पानी में, जिस तरह से बाढ़ बढ़ी, आप खुद पहुंचे थे और लोगों के घरों तक पहुंच के पैकेट बांटा? नहीं जी, इसका एकमात्र कारण है कि सच्चाई तभी पता चलती, कठिनाई तभी पता चलती है जब पीड़ित के पास स्वयं पहुँचा जाए। तो मैं यहाँ जिले के हमारे जो हमारी सांसद जी, विधायक जी, हमारे यहाँ के डीएम और कप्तान सब लोग साथ में गए थे, पार्टी के और सब वरिष्ठ नेतागण साथ में गए थे कि जिससे लोगों की पीड़ा भी सुनी जाए और उनको राहत सामग्री भी दिया जाए और कोई कठिनाई ऐसी है जो वो बताना चाहें उसको सुन करके उसके और प्रबंध किए जाएं। सर, एनसीआरबी का आंकड़े आए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में कानून का राज लौट रहा है, जो अपराध हैं सभी तरह के उसमें कमी आई है, काफ़ी कई परसेंट कम हुए। संगम की प्रयागराज में बाढ़ आई हुई है और गंगा यमुना दोनों जगह बाढ़ पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं और उन्होंने बाढ़ राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नौ नाव ये बाढ़ राहत सामग्री जा रही है, पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की नाव पर यहां पर बाढ़ राहत सामग्री लेकर